हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, जहाँ बॉलीवुड एक तरफ कॉपी मूवीज बना रहा है, जहाँ बॉलीवुड एक तरफ देवताओं की जीवनी के ऊपर मूवी बना रहा है, जैसे कि आदि पुरुष और इस टाइप की मूवी जो बना रही है, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है क्या हुआ था इतिहास में, लेकिन वहीं पे साउथ और हॉलीवुड जो है वो एक लेवल आगे बढ़ रहा है, उनसे एक लेवल आगे ऑलरेडी चल रहा है। मतलब कि वो उस स्टोरी को नहीं दिखा रहा, उस स्टोरी के अंदर जो करेक्टर थे उनसे इंस्पायर होकर एक एक्टर के ऊपर, जीवनी के ऊपर अलग से एक कहानी गढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं उस करेक्टर से, जिसने वो जीवन, उसने क्या शक्तियाँ थी, क्या पावर थी, वो अपने अंदर कैसे वो लेता है और कैसे उसका यूज़ करता है, इसी को देखने के लिए लोग थिएटर में आते हैं। अभी किस आदमी को नहीं पता होगा कि रामायण के कैरेक्टर का क्या रोल था, महाभारत में क्या हुआ था, सबको पता है, लेकिन उनके कैरेक्टर से इंस्पायर होकर हमारा हीरो इस मूवी के अंदर क्या रिएक्ट कर रहा है, वो चीज़ें देखने के लिए लोग थिएटर में जाते हैं। तो गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और उसके बाद हम बढ़ते हैं मंकी मैन की तरफ। मंकी मैन का ट्रेलर आया, यूनिवर्सल स्टूडियो ने ट्रेलर रिलीज किया है, हॉलीवुड का है। और गाइज, यहाँ पे जब स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी आई थी, तभी हमें लगा था कि यार ये इंडियन मूवीज है क्या, लेकिन वो हॉलीवुड की मूवी थी, उसका जो एक्टर था वो हॉलीवुड का था। और अभी वहाँ पे जो मूवी ये आई है मंकी मैन, इसके डायरेक्टर सब कुछ, स्टोरी राइटिंग सब कुछ उसी एक्टर ने किया है जो स्लमडॉग मिलियनेयर के अंदर एक्टर था। तो गाइज, स्टोरी की बात करें तो बहुत ही कम इस स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे ट्रेलर्स जो आते हैं उनकी स्टोरी में कई बार आपके सामने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ और कहीं हद तक हम वहाँ अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन इस मूवी में प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, इस थोड़ा थोड़ा जो मैं प्रेडिक्ट कर पाया हूँ उसमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पे अमीर और गरीबी के बीच का दूरियाँ दिखाई गई है, कैसे गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीरों के अलग अलग शौक, नवाबी शौक, अयाशी भरी ज़िंदगी दिखाई जा रही है, और हमारा जो गरीब एक्टर जो हीरो है वो किस प्रकार से उनके साथ काम करता है, कैसे उनसे बदला लेता है, अपनी दूरियों को कैसे कम करता है, अपनी बेइज्जती को कैसे वो निकालता है। क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि हीरो एक होटल में काम करता है, बहुत ही VIP होटल दिखाया गया है, बहुत ही ताक झाक वाला, वहाँ पर अमीर अमीर लोग हैं, डांस बार में डांस करवा रहे हैं लड़कियों को, जुआ उड़ा रहे हैं, और तो और मैन टू मैन फाइट करवा के किसी के जान के ऊपर भी अपना पैसों का दाव लगा रहे हैं। तो एक तरफ तो वो लाइफ स्टाइल दिखाई गई है, दूसरी तरफ हमारे एक्टर की, उसकी फैमिली की, उसकी माँ की और उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी जीवन दिखाया गया है। छोटा सा क्लिप आपको ट्रेलर में देखने के लिए मिला है। तो ये दूरियाँ दिखाई गई है, उसी दूरियों के मतभेद के कारण हो सकता है कि हमारा हीरो वहाँ पर उनके मैनेजर से लड़ाई कर गया होगा, क्योंकि यहाँ पे दो तीन ऐसे शॉट हैं जहाँ पे वो मैनेजर से लड़ाई करता हुआ दिखाया गया है, जहाँ पे वो जो होटल में काम करने वाले कुक स्टीवर्ड है उनसे लड़ाई करते हुए दिखाया गया है, और साथ ही अमीर कस्टमर से भी लड़ाई करते हुए दिखाया गया है। तो ये हो सकता है कि ये कहानी और आगे बढ़े और अपना हीरो जो है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मास्क का रूप धारण कर ले, मतलब कि मास्क को यूज़ करे ताकि लोग उसे पहचान ना पाएं, और वो मास्क पहने पहने ही अपना बदला पूरा करे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन दो तीन चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आई है कि यहाँ पे जो हनुमान जी का कैरेक्टर बार बार दिखाया गया है शुरू में और लास्ट में, मंकी मैन का कैरेक्टर जिस प्रकार से दिखाया है, कि मतलब कि वो यूज क्या रूप में हो रहा है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मतलब कि हनुमान जी से क्या, किस चीज़ को लेकर वो इंस्पायर हुए हैं। बल, बुद्धि, शक्ति, विद्या, बहुत सारी चीज़ें थी उनके अंदर, तो कौन सी चीज़ उसने अडॉप्ट करी है इस मूवी के अंदर, क्या कैरेक्टर वो इंस्पायर होकर बनाया गया है, ये कुछ समझ में आया नहीं है। ये तो पूरी स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। एक लाइन में ट्रेलर का रिव्यू करूं तो बहुत ही शानदार और उम्दा ट्रेलर है, सर्फ और शानदार कट्स मारे गए हैं ताकि कोई भी स्टोरी को प्रेडिक्ट कर ना पाए और आपको बोरियत ट्रेलर के अंदर भी ना हो। बहुत ही शानदार काम हुआ है, यहाँ पे जो एक्टिंग दिखाई गई है, जो शॉट्स दिखाए गए हैं, इसके अंदर मेरे हिसाब से फाइट सीन भी होगा, इमोशनल ड्रामा भी होगा, एक माँ और बेटे की कहानी भी होगी, अमीर और गरीब के बीच की दरार के बारे में भी कहानी होगी, कि अमीर कितना लालची, कितना वो अपने आप को जो गरीबों को बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह मानता है, उनकी स्टोरी से रिलेटेड ये हमें कहानी देखने के लिए मिलेगी। तो गाइज, देखना है कि अब जब मूवी रिलीज होगी उस टाइम कैसा रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पांस मिलती है, लेकिन मुझे ट्रेलर बहुत ही शानदार लगा है और इंस्पायर ये मुझे करता है कि यहाँ पे इस टाइप की मूवीज़ यहाँ हमारे यहाँ नहीं बन पा रही है, तो ज़रूरत है कि इस टाइप की मूवीज़ यहाँ बॉलीवुड में बने, साउथ में बने, इंडिया में इस टाइप की मूवीज़ बने ताकि लोग उन्हें पसंद करें। तो गाइज, वेट करते हैं मूवी रिलीज होने की, उसके बाद मूवी का रिव्यू भी हम करेंगे। तो गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, टेक केयर, बाय बाय।